शिवसेना कांगड़ा चंबा इकाई द्वारा कोरोना काल में बेहतर कार्य करने पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने हेतु शुरू अभियान के तहत शिवसेना प्रभारी कांगड़ा चंबा नरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष राजेश कौंडल व उनकी टीम ने जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति, एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन, सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साहब ठाकरे कोरोना टाइम में जिन्होंने बढ़िया काम किया है उनको सम्मानित कर रही है, इसीलिए हम धर्मशाला आए हुए हैं। और आज हमने डीसी साहब को भी सम्मानित किया है और एसपी कांगड़ा और सीएमओ साहब को भी सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं और जनता की मदद की है, तो इसीलिए हमारे हाईकमान के निर्देशों के अनुसार हम जो जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर शिवसेना प्रभारी ने जिलाधीश कांगड़ा के समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी, जिनमें जिला कांगड़ा में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या की रोकथाम बारे कोई कार्य योजना बनाने, चिट्टे व शराब माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने व ईसाई मशीनरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई। इसके साथ पंचायतों में बीपीएल सर्वे दोबारा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ताकि इस योजना में अन्य पात्र लोगों को भी लाभ मिल सके। वहीं शराब के ठेकों को मेन बाजारों से बाहर खोलने की मांग भी उठाई। जिलाधीश ने आश्वासन दिया कि बेसहारा पशुओं की समस्या जल्द हल होने वाली है। सरकार ने प्रदेश में कौ सेंचुरी खोलने की योजना बनाई है, इन सेंचुरियों में बेसहारा पशुओं को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी गौ सदनों में पशुओं को रखने की कैपेसिटी कम है, इसलिए आवारा पशुओं की समस्या सामने आ रही है। डीसी साहब के सामने कुछ समस्याएं उठाई हैं अपने एरिया की, जैसे एक तो जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ईसाई मिशनरी जो है, तो कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी कि जबरदस्ती लोगों, गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, तो वो भी हमने इनके सामने रखी है अपनी मांग कि उस पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। और दूसरा हमने इनके सामने नशे के प्रति जो है, आपने देखा युवा नशे में डूबते जा रहे हैं, तो हमारे एरियाज में चिट्टा हुआ या शराब हुई दो नंबर की, जैसे लाहन जिसको हम बोलते हैं, और कैप्सूल हो गए, और भी कई नशीले पदार्थों की तस्करी जो है वो खुलेआम हो रही है, तो उस पर भी अंकुश लगाया जाए और युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा भविष्य बनाया जाए।